जब तक खत्म नहीं होती अपुन तेरे को ये शक्ल नहीं दिखाएगी। इस कमीने ने मुझे मारने की कोशिश की है। इसके मारने की कोशिश पर इसे हाफ मर्डर केस में अंदर करता हूं। अभी इसे जेल में भेजना और कुत्ते की दुम को सीधा करना दोनों बातें बराबर है। इसकी पूंछ को हमें परमानेंटली काटना होगा, इसलिए मैं इसे यहां लेकर आया। सब लोग ध्यान से सुनो, इसने बहुत सी औरतों का मंगलसूत्र छीना है। इसी ने हमारे घर में आग लगाई थी। कई सारे लोगों को इसी ने अनाथ कर दिया। हम सभी लोगों को बहुत दुख दिया है इसने। इसके किए हुए दुखों का ब्याज हम इसे सूद समेत वापस दे देंगे। उसके लिए तुम लोग मेरे साथ हो क्या? रेणुका दीदी, आज से तुम्हारा तबेला ही इसका गेस्ट हाउस है। इसे वहां पर ले जाकर बांध दो। रोज इसको सेंट लगाकर निकलने में मजा आता है ना, अब जरा भैंस के तबेले में जाकर कैसी बदबू आती है उसका भी मजा ले। चल, ये लड़की यहाँ है, इसका किसी को भी पता ना चले। ये बात हमारे मोहल्ले से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ गए सब लोग? आज से तेरी परमानेंट यही जगह है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तूने तो मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुझे असली में मार दूंगा। रेणुका दीदी, ले जाओ इसे और डाल दो तबेले में। तेरी तो टकले, कहाँ है मेरी बेटी माया? अम्मा जी, हमने वहाँ सबको मार मार के पूछा, किसी ने मुंह नहीं खोला, कोई कुछ नहीं बता रहा था। सब यही बोल रहे थे कि हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि माया कहाँ है। अम्मा जी, आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते? शर्म नहीं आती है क्या तुझे? मेरी बेटी माया गायब हो गई है, इसकी पुलिस कंप्लेंट करवाएगा तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी क्या? अम्मा, मुझे तो शंकर पे डाउट हो रहा है। अपना शक तू अपने पास रख, जल्दी से जाके उसे पकड़ कर ले आ। शंकर अभी के अभी मुझे यहाँ चाहिए। अम्मा जी आप भी ना, अरे ये सब उसे देखते ही पेशाब कर देंगे। अम्मा जी, इस काम के लिए अपने गांव वाले ही ठीक हैं। बुलाइए, आप अपने उन पहलवान भाइयों को जल्दी बुलाइए। तू उन लोगों को समझता क्या है रे? वो एक नंबर के कसाई है, अगर वो आ गए तो खून बहेगा। अगर वो लोग यहाँ आ गए हर एक को काट कर फेंक देंगे। उनके नाम से तो सरकार भी कपकपाती है। उन खतरनाक भाइयों को एक मामूली ऑटो ड्राइवर को उठाने के लिए बुलाओ। ये अम्मा जी काफी है उसके लिए। मेरे शरीर में भी वही खून बह रहा है। मैं जाकर सबको खत्म कर दूंगी, सबको चीर कर रख दूंगी, काट कर रख दूंगी। उन कमीनों का सामना करने के लिए मैं ही काफी हूँ। कितनी खतरनाक हूँ मैं अभी दिखाती हूँ उनको। पांडे, चल गाड़ी निकाल। आए मेरी बेटी, बता बता तेरी तो। सबको मारो। ए शंकर कहाँ है? बता। ढूंढो। सबको मारो। कहाँ है मेरी बेटी? देखो।
शिकार। ढूंढो माँ बेटी को, देखो कहाँ छुपा कर रखा है इन लोगों ने। ए तू बता। माया, ए अच्छी तरह ढूंढो उसे, देखो यहीं कहीं होगी मेरी बेटी। ए तू उस तरफ जाकर ढूंढ रहे। ए टकले अच्छी तरह से ढूंढ, चल लगता है यहाँ पर नहीं है, चलो रे। ए अच्छी तरह से ढूंढा क्या? अम्मा जी, हमने घर घर में ढूंढा लेकिन माया जी नहीं मिली। अम्मा जी, हम लोगों ने सब जगह ढूंढ लिया पर माया जी कहीं नहीं मिली। नहीं ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरा शंकर मुझे नहीं मिलेगा, वो जरूर शंकर को फंसा लेगी। एक काम करती हूँ, कुछ भी करके माया को यहाँ से भगाती हूँ, ये ठीक रहेगा। जा, चल यहाँ से जल्दी निकल, निकल जा। अरे भगवान, अम्मा माया है अम्मा। माया मेरी बेटी, मेरी बेटी कैसी है तू? मेरी बेटी कहाँ गई थी तू? क्या हो गया तुझे? बोल ना बेटी, कहाँ गई थी तू? वो ऑटो शंकर ने अपुन को किडनैप करके बांध के अपुन को बहुत तकलीफ दिया मम्मी। देखो देखो क्या हाल है, बहुत तकलीफ दिया अपुन को। उसको मत छोड़ना मम्मी, उसको मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए अपुन उसको नहीं छोड़ेगी। जानते हो मेरी सारी जायदाद हड़प कर पता नहीं कहाँ भाग गया था ये। इसे मार कर मैं यहीं पर इसकी समाधि बना दूंगी। कहाँ है बोल, मेरी जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ है बताओ? कौन सी जायदाद है, कौन सा डॉक्यूमेंट? अम्मा अभी तक भरोसा था कि वो अलग है, दरअसल सच में क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कौन है ये राम? अरे क्यों बाबा, एक साल से उसने हमें ब्याज नहीं दिया, यहाँ देखिए तो सही। अरे सुनो मेरी बात, ऊपर वाले ने हमें कोई भी तकलीफ नहीं दी। तुम इस कॉपी में जो लिस्ट देख रही हो ना, वो सारे लोग अभी तकलीफ में हैं। वो लोग अच्छे दिल के लोग हैं, वो हमारा पैसा कभी नहीं खाएंगे, एक दिन आएंगे और देकर जाएंगे, है ना मुनीम जी? हाँ साहब। ब्याज के धंधे में अगर हम न्याय इंसाफ रहम सब देखेंगे तो हमें सड़क पर रहना पड़ेगा। अगर हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे तो उनका डर खत्म हो जाएगा। आप जाकर पैसा वसूल करेंगे या मैं खुद जाकर वसूल करूं? जाओ ना तुम, वसूल कर लो। तुम वहाँ पैसा वसूल करने जाओगी तो उसकी हालत देखकर तुम्हारे पास जो पैसे होंगे वो भी देकर आओगी, समझी? सुनिए जी, पैसे लाए हैं क्या? मैंने बहुत कोशिश की पर जब खाली है, मुझे राशन के लिए भी पैसे नहीं मिले। आज मैं डॉक्टर के पास भी गया, उन्होंने कहा कि मेरा ऑपरेशन नहीं कर सकते। बेटी बहुत रो रही है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं, घर में कुछ भी नहीं, सब पड़ोस वालों से मदद मांग ले पर कोई मदद नहीं करता।
हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। एक साल होने को आया और मैं एक कौड़ी तक कमा नहीं पाया। सोचता हूँ कि अब खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुमने ये क्या किया? ए, तुमने ये क्या कर दिया? मुंह बंद कर दिया। मैंने अपनी बेटी का रोना बंद कर दिया। मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जानबूझ के किया। मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैंने जानबूझकर किया। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ए राम, एक साल से तूने मूल भी नहीं दिया और ब्याज भी नहीं चुकाया। कहाँ है मेरा पैसा? अभी दे मुझे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। फैक्ट्री बंद होने से कोई काम धंधा भी नहीं है। मैं कंगाल हूँ। तू कुछ भी कर ले या फिर तेरी बीवी को हाथ में कटोरा लेके भीख मंगवा ले। मेरा पैसा मुझे चाहिए। आपने जो मुझे 1,00,000 दिए थे वो मैं अभी वापस नहीं कर सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? कैसी बातें कर रहा है तू? पैसा खाने के चक्कर में है क्या तू? मेरा पैसा देना पड़ेगा इसलिए बहाना कर रहा है? छोड़ो, पैसा नहीं है तो ऐसे बात करोगे? बीच में टांग अड़ाएगी तो मार दूंगी तुझे। चल पैसा दे, पैसा निकाल, पैसा निकाल, छोड़ो, मार दूंगी तुझे। चल निकाल, छोड़ो मेरे पति को, चल बाहर। ओए ये छुरा बोला ना। ए बड़े भैया, छोटे भैया, इन दोनों को खत्म कर दो। ड्राइवर गाड़ी रोको। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? इन गरीबों को मार दिया। हे भगवान, पैसे की लालच में आकर इन गरीबों को मार दिया। भगवान नहीं छोड़ेगा तुम राक्षसों को। मलिक, वो बच्ची रो रही है। मेरे दोस्त की बच्ची, जाओ उसे लेकर आओ, जाओ। क्यों भुजा भुजा, क्यों भुजा? इस बच्ची को मैं अनाथ नहीं होने दूंगा। मैं इसे अच्छी जिंदगी दूंगा। इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। इन्होंने मेरे दोस्त और उसकी पत्नी को मारा है। इन्हें अरेस्ट कर लो। मेरे भाइयों को अरेस्ट करवा दिया तुमने? हम कौन है जानते हो ना? हम क्या क्या कर सकते हैं शायद तुम नहीं जानते, समझे? ए नागिन, चल हाथ हटा। तुमसे शादी करके तो मैं फंस गया। मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो तुम्हारी जैसी चुड़ैल बीवी मुझे मिल गई? मैं तो तुमसे शादी करके जीते जी मर गया। अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो इस कत्ल में तुम्हारा हाथ है ये कहकर मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, समझी? तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? इंसान के अंदर इंसानियत होती है, तुझ में इंसानियत नहीं है, इसलिए तुझे आज तक कोई औलाद नहीं है, समझी? बांझ है तू, बांझ ही रहेगी। मुझे और गुस्सा मत दिला। दोष मुझ में नहीं, तुम में है।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर किसी डॉक्टर से चेक कराओ। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू कभी खुश नहीं रहेगी, तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। ये किसकी बेटी है? तुझे तो कभी जिंदगी में औलाद नहीं होगी, इसलिए इस बच्ची के लिए अपना वंश आगे बढ़े इस चाहत से मैंने दूसरी औरत से संबंध बनाया, ये उसी की बेटी है। ये कैसी बात कर रहे हो? बच्ची को जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई। दूसरी की बच्ची को मैं क्यों पालूंगी बताओ? इसे तो मैं कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। तुम ऐसी बातें करोगी, मुझे पता था, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद इस बच्ची के नाम कर दी। हाँ? इस जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो मुनीम दूसरे गांव चला गया। तुम इस लड़की का पालन अच्छे से करोगी तो इसके बड़े होते ही जायदाद में तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। उससे पहले अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो ये मेरी सारी की सारी जायदाद हमेशा के लिए अनाथ आश्रम को चली जाएगी। ये मेरी सौतेली बेटी है, तुम नहीं जानते मैं इसे किस तरह से बड़ी करूंगी, मैं इसे अपने जैसा बनाऊंगी। पहले तू मुझे जायदाद के पेपर दे। जायदाद के डॉक्यूमेंट ये बिल्कुल झूठ है, राम के परिवार को खत्म करने वाली डायन है डायन, तूने ही कत्ल करवाया है, इसलिए मैंने और मालिक ने मिलकर ये नाटक किया था। मालिक को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था, ये जायदाद इसके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। ये जायदाद किसी को नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी। मामा, अम्मा, अब मेरी जायदाद पर किसी का भी हक नहीं है। ये तो अच्छा है, अब सारी जायदाद की मालकिन मैं बनने वाली हूँ। मेरी किस्मत तो देखो मेरा साथ दे रही है। चलो अम्मा, चलो अम्मा। माया को है? कौन है रे ये माया? ये तो उस भिखारी राम की बेटी है, जानता है ना, इसकी किस्मत अच्छी थी नहीं तो उसी दिन इसे मार देती। आज से इसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और आज से तू मेरी कोई नहीं है। ए, मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, और अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, और कभी मेरे पास आना भी मत। मैंने तुझे पाला है इसीलिए तू मुझे माँ कह रही थी, अगर अपनी शक्ल दिखाई ना तो एसिड से जला दूंगी, समझी? चलो रे। ए मामा, चल जल्दी। चलो। देख तेरी जिंदगी कैसे नरक जैसी हो गई है, तूने मासूम लोगों को सताया था और आज तेरा भी हाल बिल्कुल वैसा ही है। अब दुख क्या होता है तुझे पता चलेगा, जिंदगी में तूने बहुत से पाप किए हैं। चाहे तो तू इस कॉलोनी से जा सकती है, तुझे कोई रोकेगा भी नहीं। चल निकल जा यहाँ से। जिंदगी क्या है ये तुझे अच्छे से समझ में आएगा, चल जा। ए, चलो निकलो, अपने अपने घर जाओ, चलो। कार डालो भाई। डालता हूँ भाई। अरे सुनो, वहाँ पर एक मस्त लड़की बैठी है, पहले मैं मजा लेता हूँ, बाद में तुम लोग आओ। ठीक है भाई, चलो। क्या आइटम है, बर्फी है बर्फी। तुम हंसी मैं जवान। हाय हाय, अरे आ जल्दी, अरे आ जा, बच्ची कली आ जा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, बच के कहाँ जाएगी। अरे रुक, अरे पकड़ो इसे, अरे मैं बता।
अरे पकड़ो, कहाँ गई? ढूंढो उसे। अरे कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही थी। हाँ यहीं पर थी। यहीं पर कहीं होगी, चलो ढूंढते। हाँ चलो भाई, हाँ चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बहन जी, दरवाजा खोलो। कौन है? मौसी, कुछ गुंडा अपुन के पीछे पड़ा है, अपुन का साड़ी में पट गया है। बचा लो, बचा लो मौसी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो बेटी। ये आप क्या कर रहे हैं, इसके कपड़े फट गए हैं। तू इस डायन पर दया मत खा, ये कौन है तुझे याद नहीं? याद कर तू मेरे श्राप को, उसी की वजह से तेरी ये हालत है आज। तू खून के आंसू रोएगी, ये गरीब की बद्दुआ है। कहा था ना मैंने तुझसे कि मेरा श्राप तेरे पाप का अंत कर देगा। अरे पापिन, तू किस मुंह से यहाँ आई है? चल निकल, चल निकल यहाँ से। ले लो, सुनो ना। सुनिए। क्या बात है जानवी? देखिए ना, ये तो माया है। इसने मेरे हाथों से आपको चप्पल मरवाई थी, आज जहाँ चप्पल उतारते हैं वहाँ ये बैठी है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। उस दिन करवा चौथ के दिन मैं अपने पति की पूजा कर रही थी, लेकिन मेरे हाथों से पाप करवाया, मेरे पति को मुझसे चप्पल से पिटवाया। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि एक दिन तुझे अपने पापों की सजा मिले। मेरी प्रार्थना सफल हो गई। दे वापस, तेरे जैसी को मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी। तेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। चलिए चलिए यहाँ से। अंकल अंकल, कुछ खाने के लिए दे दो ना। भैया, अब भूख लगी है, कुछ दे दो ना खाने के लिए। अरे ग्राहक से ज्यादा भिखारी हो गए हैं, ये लो। अरे अरे, तू तो चुड़ैल है ना, तुझे खाना खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। उससे तो अच्छा कुत्ते को खिलाऊं मैं, कुत्ते को खिलाऊंगा तो पुण्य मिलेगा मुझे। चल निकल यहाँ से, चल भाग, चल भाग। ए सुनो, बाहर की जगह अच्छी तरह से फिनाइल डालकर साफ कर दो, समझे? बहुत जोर की भूख लगी है ना? कोई भी भला आदमी तुझे खाना देने के लिए तैयार नहीं है ना? अरे रे, तू कौन है, कहाँ से आई है, कुछ भी पता नहीं है ना तुझे? भूख लगी है ना तुझे? ये भूख बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। ये ले खा ले, ये ले खा ले, खा ले।
अरे खा लेना। अरे रे, जैसी करनी वैसी भरनी। करम किसी को भी नहीं छोड़ता, किस्मत का खेल है। जिंदगी क्या है ये तुझे पता चल गया, खाने की कीमत क्या है ये भी पता चल गया। एक भिखारी ने बड़प्पन से अपना खाना तुझे खिला दिया, दिल में दर्द हो रहा है ना। लेकिन अम्मा जी ने ये सोचकर तुझे निकाल दिया कि जायदाद तेरे पास नहीं है, और तुझे सड़क पर फेंक दिया। पैसे वालों में और गरीबों में क्या फर्क होता है ये तुझे पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे साथ इस तरह की हरकत की थी। आज से तुझे खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो उठ, चल मेरे साथ घर पे। आपके जायदाद के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए हैं हमने। अचानक अगर माया ने आकर जायदाद में हिस्सा मांग लिया तो? लेकिन वो कैसे? इसे मार कर मेरा हाथ दुख रहा है, भाग कर छुप जाता है और कहता है कि सारी की सारी जायदाद माया की है और नाच रहा था। ये तुम क्या बोल रहे हो मामा? क्या कहूँ, पढ़ लीजिए। ए वकील, पढ़। ओ माय गॉड, जायदाद में से आपको एक पैसे भी नहीं मिलेंगे। पूरी जायदाद माया के नाम पर है, इस जायदाद में आपका कोई हक नहीं है। ये तो जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल कहाँ है? वो तो शंकर के पास है। अम्मा, आटो, शंकर और ये दोनों मिलकर माया को पूरी जायदाद दिलाकर आपको सड़क पर लाना चाहते हैं। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। इस बुढ़ापे में तू मेरे हाथों मार खाना चाहता है क्या? कहाँ है वो माया बता? उस भिखारन को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। क्यों किया? क्यों किया इतना बड़ा नाटक? मेरे नाटक के वजह से ही उस लड़की को इंसानियत क्या होती है पता चला है। उसे यह भी पता चला है कि एक नागिन ने उसे पाला है। मालिक के कहने के अनुसार जायदाद के डॉक्यूमेंट उसे देने के लिए मैं शहर में आया था। शहर में आके पता चला कि माया लोगों को सताती है। अगर ये डॉक्यूमेंट उस वक्त उसके हाथ में दे देता तो सारी जायदाद बर्बाद हो जाती। तभी मुझे भगवान के रूप में शंकर मिला और मैंने माया के बारे में सब कुछ बता दिया, और माया के बारे में सुनकर शंकर आश्चर्यचकित रह गया। और माया को सुधारने की जिम्मेदारी शंकर ने ले ली। माया का भला हो इसलिए मैंने झूठ बोला था कि इस जायदाद में माया का कोई हक नहीं है। ये सुनकर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मेरे बारे में जानकर क्या कर लेगी वो? उस माया को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जैसे चाबी घुमाऊंगी वैसे ही वो नाचेगी तुम्हारे सामने। वो पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगी, देख लेना बुड्ढे। इस जन्म में तो हरगिज नहीं होगा। उसके माँ बाप को तूने जान से मारा है, इसलिए वो तेरी परछाई से भी दूर भागेगी। ए वकील, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। मेरी जायदाद मेरे नाम पर होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? जब माया लिख कर देगी तभी यह जायदाद आपके नाम पर हो सकती है। पहले उसे उठा कर लाइए। ये इतना आसान नहीं है। उसके साथ शंकर है और शंकर के पास हजारों ऑटो वाले हैं। लगता है भाइयों को बुलाना ही पड़ेगा। तूने हम पर केस करके मौत को दावत दी है। मुझे बर्बाद, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, बहन के पास जाना है, चलो। तुम्हारा ये नाटक मेरे साथ नहीं चलेगा, चल मेरे साथ। माँ, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ, मैं शंकर की शक्ल देखे बिना तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। बस एक बार शंकर से मिलकर आती हूँ। भगवान, वो ऑटो शंकर का है, ढूंढो उसे। ए, आ जाओ। कहाँ है शंकर? पता मुझे नहीं पता। कहाँ है शंकर? पता शंकर कहाँ है? ए, तू बोल शंकर कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता शंकर कहाँ है, हमें माफ कर दो भाई।
अरे हम कैसे बताएंगे बता शंकर कहाँ छुपा बैठा है? कैसे बताओ? बताएगा कि नहीं? बोल! नहीं बताएगा! बड़े भाई, वो शंकर की लवर है। जल्दी पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। भाग रही है। ए, शंकर कहाँ है बता? मुझे नहीं पता। इसे पता है। इसे अच्छे से मारो और पूछो शंकर कहाँ है। पकड़ो उसे। भागने ना पाए। अभी तो गौरी नहीं आई दीदी। बैठो बैठो। गौरी गौरी, ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? अरे बाप रे, चल हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं शंकर, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। गौरी ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ जिंदगी जीना मेरी किस्मत में नहीं लिखा, लेकिन आज कम से कम तुम्हारी गोद में मरने का सौभाग्य तो लिखा है। आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी शंकर। गौरी, शंकर तुम्हें और माया को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे आए थे। तुम माया को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। माया को लेकर कहीं दूर चले जाओ शंकर। शंकर जल्दी करो। गौरी, 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 शंकर, शंकर, गाड़ी निकालो। और तेज चलाओ। Yeah.
इन सबको पुलिस स्टेशन लेके जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। माया, 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 माया क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ो मुझे, माया, छोड़ो।
जायदाद के कागजात। शंकर आप उनको माफ कर दो। गलत लोगों का हाथ थाम कर तुम भी गलत रास्ते पर चली गई थी, इसलिए मैंने जायदाद के कागजात अपने पास छुपा कर रखे थे। लेकिन अब तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है, जिंदगी क्या होती है यह समझ गई हो, आगे की जिंदगी कैसे जीनी है यह तुम्हें सोचना है। शंकर देने के लिए अपुन के पास कुछ नहीं सिवाय प्यार विश्वास के। आप लोगों को इतनी तकलीफ दी उसी का ब्याज दे रही हूँ, यही समझ लीजिए। अपुन को आशीर्वाद दीजिए, माफ कर दीजिए तो अपुन समझेगी अपुन के पापों का प्रायश्चित हो गया। अपुन ने जितने पाप किए वो माफी के काबिल तो नहीं, आप लोग ये पैसे ले लीजिए। अरे माया बेटी, ये तुम सारे पैसे हमें दे दोगी तो तुम कहाँ जाओगी बेटी? अब उनकी जिंदगी वहां है। आगे अपुन को कैसे जीना है ये अपुन को ही तय करना होगा। तुम जहां भी रहोगे अपुन भी वही रहेगी। ये घर अपुन के लिए मंदिर समान है और तुम मेरे भगवान हो, मुझे अपना लीजिए। शंकर बेटा, किसी को माफ कर देना बहुत ही बड़ी चीज होती है। शंकर, ये लड़की सचमुच बदल गई है, अब ये इंसान बन गई है, इसे अपना लो। हाँ बेटा, इसकी सारी बुराइयां खत्म हो गई हैं, अब ये सब कुछ खोकर अनाथ हो गई है। ये यहाँ तेरे भरोसे आई है, तू ही इसका सब कुछ है। हाँ शंकर भैया, मार दो, मार दो, हमारे इंसान बन चुकी है, इसे अपना लो शंकर भैया, अभी अच्छी हो चुकी है। सॉरी बदमाश। चिकची निन्न तिन्नला, चुच्ची चुच्ची निन्न कुल्लला, चिकची चुच्ची निन्न कुल्लला, हाय रे नाकु